वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर कैसे आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर सकता है। भारत में जहाँ पर फ्राइड खाना बहुत मशहूर है, जहाँ पे ओबेसिटी भी बहुत रैम्पेंट हो रही है, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर बन चुका है। ये सिर्फ आपके दिल को इफेक्ट नहीं करता, बट आपके किडनीज पे भी धीरे धीरे असर करके क्रॉनिक किडनी डिजीज कर सकता है। पहले बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। रिसर्च के अनुसार कोई भी रीडिंग जो 130/80 से ज्यादा हो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल रीडिंग आपकी 120 और 80 के नीचे होनी चाहिए, जहाँ पे 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक, या फिर इंडिया में जहाँ से 120 ऊपर वाली रीडिंग और 80 नीचे वाली रीडिंग। हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसके कई कारण हैं और आज उनमें से कुछ कारण के बारे में हम बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के ये कारण हो सकते हैं। पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसका मतलब आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन रन कर सकता है। आपके पेरेंट्स को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर 2 से 4 साल में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, और ये सिर्फ एक रीडिंग से नहीं बल्कि 3 से 5 रीडिंग सुबह 3 से 5 मिनट के गैप में लेके। अपना ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछ सकते हैं। कई फार्मेसी में भी ब्लड प्रेशर का मशीन होती है, या आप घर पे एक ब्लड प्रेशर की मशीन ले सकते हैं। रीडिंग्स चेक करने के लिए सुबह 3 से 5 मिनट के गैप के बीच में आपको 3 रीडिंग्स लेनी चाहिए और इनका एक एवरेज निकालना चाहिए। अगला कारण हाई ब्लड प्रेशर का आपका डाइट हो सकता है। अधिक नमक खाना, एक्सरसाइज कम करना और वेट गेन, ये सब हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में हाइपरटेंशन हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो इससे धीरे धीरे किडनीज पे डैमेज हो सकता है। आपका किडनी फंक्शन स्लोली डिक्लाइन कर सकता है और आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है और अगर आप टैबलेट्स पे हैं, तो जरूरी है कि आप हर साल अपना किडनी का फंक्शन टेस्ट कराएं। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है और एक सिंपल यूरिन टेस्ट होता है, जिसमें चेक करते हैं कि आपकी किडनीज में कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा। भारत में डायबिटीज के बाद सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज का हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर ही है। स्टार्टिंग में हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करके सिम्टम्स दे सकते हैं, सच एज सर में दर्द, छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, आपकी आईसाइट वीक होना और बॉडी एक और थकावट। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है पैरों में सूजन आना। ये सुबह सूजन ज्यादा होती है और दिन खत्म होते होते कम हो जाती है। अगर आपको ये सिम्टम्स है तो जरूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। हाई ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है? सबसे बेस्ट इलाज है प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि आप हाई ब्लड प्रेशर होने ही ना दे। सिंपल चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में, ये आप अचीव कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। सिंपल चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। मैंने एक वीडियो बनाई है कैसे एक्सरसाइज से किडनीज पे बेनिफिट होता है, मेक श्योर आप ये चेक करें। एक्सरसाइज के अलावा अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो रेड मीट अवॉइड करें, शुगरी बेवरेजेस सच एज पेप्सी, कोक, इनको कम पिएं, अल्कोहल से दूर रहिए, स्मोकिंग को रिड्यूस और खत्म करिए, और सबसे जरूरी है अपना सॉल्ट इनटेक कंट्रोल करना। सब सजेस्ट करते हैं लो सोडियम सॉल्ट, बट इसका मतलब क्या है? सम सोडियम आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। अराउंड 1500 मिलीग्राम अ डे मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है आप 2300 मिलीग्राम तक खा सकते हैं। इसका मतलब है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आपको दवाइयाँ कब खानी चाहिए? अगर लाइफस्टाइल और डाइट अलोंग विद एक्सरसाइज और वेट लॉस से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा और आपकी रीडिंग्स कंसिस्टेंटली 130/80 से ऊपर आ रही हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप दवाई शुरू करें। दवाई खाने का यही बेनिफिट है कि लॉन्ग टर्म आपको किडनी और हार्ट में कम डैमेज होगा। लंबे समय तक अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा तो किडनी में लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। जैसे हमने बात की, किडनी का फंक्शन कम हो सकता है और आपको इवेंचुअली डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। जब हाई ब्लड प्रेशर किडनी को डैमेज करता है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये एक विशेष साइकिल है जो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर यंग लोगों को नहीं हो सकता, बट आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से कई यंग लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं है, कई बार ये अनडायग्नोस रह जाती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। एज अ डॉक्टर कई बार मुझसे पूछा जाता है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है। अर्ली स्टेजेस में है, लाइफस्टाइल चेंजेस से ये रिवर्स हो सकता है, बट आगे जाके ये डैमेज कर सकता है आपके ऑर्गन्स को। प्रेगनेंसी में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और इसको बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन।
आगे वीडियो में हमने एक पेशेंट से बात करी है जिनको हाई ब्लड प्रेशर था और उनकी वजह से उनकी किडनीज को डैमेज हुआ। वो अब डायलिसिस पे हैं और उनका यही मैसेज है हमसे कि अपना चेकअप कराइए और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो दवाइयाँ या लाइफस्टाइल चेंजेस टाइम पे करें। और आप कब से किडनी के पेशेंट हैं? मेरे को हुआ 8 महीने यहाँ से, वो तो हम तो मैं 1.5 साल से, मगर यहाँ तो इलाज 8 महीने से हो रहा है मेरा। तो 1.5 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि आप हॉस्पिटल गए और आपको कैसे पता चला कि आपको किडनी की बीमारी थी? मेरा मुंह सूजता था, मेरे पैर सूजते थे, बुखार सा रहता था मुझे। फिर मैंने कहीं और दिखाया, पहले वहां से दवाइयाँ खाती थी बाजार की, ऑनलाइन दवाई आती थी, वहाँ जाती थी, सुई हुई लगती थी मेरे। फिर मेरी बहुत हालत खराब हो गई, फिर मैंने यहाँ पे इलाज कराया अपना। 8 महीने से यहाँ पे हूँ मैं। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने खून का जांच किया, उन्होंने सीधा आपको बस बोल दिया कि आपको किडनी की बीमारी है, या उन्होंने बताया कि आपको क्यों है ये बीमारी? मैंने पूछा जी क्यों लग गई ये बीमारी, कह रहे तुम बीपी की गोली खाते थे। मैंने कहा हाँ जी बीपी की गोली खाते थे हम। फिर मैंने बीच में छोड़ दी, एक हफ्ते बाद खाती थी, इस वजह से फिर मुझे पता लगा कि इससे हो गई बीमारी। तो आपका किडनी फंक्शन किस पॉइंट पे था जब आपको बोला गया कि आपको डायलिसिस की जरूरत है? बहुत ही मेरे को बहुत सांस फूल गया था मेरा, बहुत बुरी तरह से। फिर उन्होंने इसी दिन से फिर मेरी टिकट वो करनी शुरू करी डायलिसिस। कितना टाइम हो गया डायलिसिस शुरू करे? 7-8 महीने हो गए, 7-7 महीने, हफ्ते में 2 बार होती है। ठीक है।